यार इस व्लॉग में मुझे भाई आपने बोलना बोले यार ओ भाई मैंने बोले यार नहीं है बोले ये नहीं मुझे यार, भाई आपको बोल के बताएगा हम किधर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्या मकसद है, क्या प्लान है, बताए ना यार क्या मकसद है। पता ही नहीं हम किधर हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। सर आप नहीं अमजद भाई आप आए इधर, ये भाई अमजद भाई बताएगा हम इधर ये क्या कर रहे हैं यहाँ बोले कौन ये नहीं अब आया अदनान भाई बोलेंगे अदनान भाई बोल रहे हम हाय अच्छा मुझे ये बताएं ये रेल पार्टी है ये रेल पार्टी ये रेल पार्टी पी आर डी है ये रेल पार्टी पार्ट नहीं है पार्ट नहीं मतलब फटनी है फटनी है फटनी नहीं हाँ। वो तो फट जाएगी वो तो अलीहदा बात है ना, लेकिन ये तो लोहे से बने हुए नहीं पड़ती। हम इसलिए आए हैं कि उधर हम नहीं ये वैसे है क्या ये क्या ये रेल पार्ट नहीं रेल की पार्ट रेल की पार्ट नहीं रेल की पार्ट नहीं ओ यार अब ये जी मुझे समझ नहीं आती कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ये की नाम है क्या नाम कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर बा अच्छा मुझे ये बताए ये क्या है कौन सा ये जो है ना ये रेल की पार्ट नहीं रेल की पाटनी ये रेल पाटनी ये ना ये देख लेंगे ये रेल पाटनी है ये रेल पाटनी है तू बता क्या है सर पता तो मुझे नहीं बस आपके मुंह से सुन रहा ये रेल पाटनी है सुन ले सब लोग ये रेल है ये अदनान ये अदनान कह रहा है ये रेल पाटनी है और ये आगे क्या है ये इसको क्या बोलते हैं है? सुराग है। सुराग छोटा होता है भाई ये इतना बड़ा है ये सुराग नहीं है ये क्या है इसको ऊपर ऊपर देखो ना ऊपर क्या है ऊपर पहाड़ है पहाड़ के नीचे सुराग बनाया हुआ सुराग इसको भाई बोलते हैं सुरंग ये सुरंग है सुराग जो होता है वो छोटा होता है कहते हैं ये गरक है ये गरक है ये गरक है गरक दा गरक कायदा सर ये कुछ एरिया है जहाँ पे हम घूमने के लिए निकले हैं ये रेलवे ट्रैक है और ये पहाड़ी एरिया इस ट्रैक इसके ऊपर जाएंगे हम ओ ये जंगली ये किधर पहुंच गया एक वो जंगली खड़ा है एक ये जंगली हाँ पकड़ गया हमारी मंजिल पहुंच गई है। अरे ये है जी पीछे रेलवे ट्रैक और हम बैठे हैं इस वक्त ये रेलवे ट्रैक जो सुरंग है ये पहाड़ी है ये सारा पहाड़ है पहाड़ के अंदर से फोकस करो पहाड़ के वो एक जंगली जा रहा है वो जा रहा है ये ऊपर जा रहा है हाइट पे और ये कोऑर्डिनेटर है कोऑर्डिनेटर और यहाँ पे ये सारा पीछे पहाड़ है और पहाड़ के अंदर से ये रेलवे ट्रैक है ये सुरंग जाती है ये सुरंग सारी ये सुरंग के टॉप पे हम बैठे हुए हैं थोड़ा ये सारा हम जाएंगे पहाड़ी की हाइट पे और ये हाइट देखे कितनी हाइट है बिल्कुल अल्लाह अकबर ये देख रहे सर बिल्कुल छटरेट दीवार के साथ और इस हाइट पे हम जाएंगे हम चढ़ जाएंगे मुजाहिद चढ़ जाएंगे ट्रेन भी यार हाँ जा रही है ऊपर चलाग लगा दें कैसे चढ़ना पाए बस यही सही है वो एक तो पहुंच गए बा खैर इधर भी देखे सर शक्ल भी दिखाए ना अपनी बारह तो भी बजे चढ़ते चढ़ते अभी सर अभी बहुत रास्ता है अभी बड़ी हाइट है वो देखें सर हम पहुंच चुके हैं फाइनली ये मेरे साथ एक जंगली पहुंच गया और ये इतनान बजे पहले पहुंचे हुए हैं और ये एक जंगली अभी पहुंच रहा है
और ये है सर बैठक शरीफ बरी इमाम सरकार, इमाम बरी सरकार, वो इमाम बरी वाले, ये उनकी है। यहाँ पे उन्होंने चिला शिला कटा है, या वो वैसे यहाँ पे थोड़ा बैठक होगी, बैठते थे यहाँ पे कोई, तो ये सारा एरिया उनका ये है। ये बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे है, वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये सर जी देखे ना, ये हमारी पहाड़ियों में हम चढ़ रहे थे, और मेरी ये देखें, ये सारा कचरा मचरा। अब मेरे ये मेरी हुडी है भी इस तरह की है, भेड़ के जिस तरह ओनी होती है भेड़ के ऊनों की जरा, ये सारा इसके अंदर पता नहीं क्या क्या पा। चले खैर अच्छा छोड़े बाद में। और ये हम पहाड़ी की बिल्कुल टॉप पे हैं, और ये यहाँ पे जो कुछ हैं वो यहाँ पे आके चिराग वगैरह जलाते हैं, क्योंकि रात को और होती है ना, रात को होती है अंधेरा होता है, तो यहाँ पे चिराग वगैरह जलाते हैं ताकि रोशनी रहे। ये इसका कोई डोर है, छोटा सा डोर है। और ये भी यहाँ पे कुछ चिराग वगैरह जलाते हैं, ये ऊपर वो झंडा लहरा रहा है, और वो सामने किधर गया, ये यहाँ पे है जी आग जलाने वाली जगह, यहाँ पे लकड़ियाँ जला के जंगल इर्द गिर्द जंगल में रात को रोशनी वगैरह और महफिल वगैरह जमाते थे, वो बैठते थे मतलब गप्पे शप्पे लगाते थे। और ये कमरा कोई कमरा, ये सारा कुछ छोटा सा कमरा है जहाँ पे मस्जिद भी, यहाँ पे नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, और वैसे कोई यहाँ पे बारिश वगैरह का मौसम होता है तो ये वैसे अभी जो बनाया है वहाँ ने बनाया है अपना रहाइश के लिए कह लेंगे, थोड़ा सेफ्टी के लिए, रात को सर्दी वगैरह, कंबल छंबल भी है, कारपेट भी है। तो ये यहाँ पे कोई उनके कोई बैठे होते हैं जो गद्दी नशीन मौके की मुनासबत से, ये उनका कोई, ये यहाँ पे वो कोई अपना खाने पकाने का बंदोबस्त करते, ये पानी का ये भी रखा हुआ। वो सामने कमरा देखिए ना, कमरा छोटा सा कमरा है, यहाँ पे मैं कोई रहते होंगे या वैसे कोई रखा हुआ है, कोई समझ नहीं है इसकी। ये सारा एरिया बरी इमाम का है, ये सारा अभी जो है ये सारा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठक वगैरह होती है। और ये इसके टॉप पे ये सामने वो ब्रिज है, रेलवे ट्रैक भी है, ये कोरंग ब्रिज भी इसको कह सकते हैं, कोरंग ब्रिज। और ये पीछे वो नाला है, वो सामने आग शाग भी जलाई हुई है। और ये सर छोटी सी जगह यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे टूटी छूटी उन्होंने लगानी थी, मतलब यहाँ पे बैठ के नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, वजू के लिए, या वजू खाना भी कह सकते हैं इसको, ये वजू खाना बनाया था। और अभी ये ज़ेर तमीर है, पता नहीं कब तक बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, आई डोंट नो। ये सारे इन्होंने अपना नल लगाया हुआ है, ये पीने का पानी भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और वजू वगैरह पानी का जो पता है आपको पता है कि पानी की दिक्कत होती है पीने के लिए, तो ये सिस्टम पानी का लगाया हुआ है। और आगे में एक छोटा गड़ा भी है, ये गड़ा भी पानी जमा करने के लिए, ताकि मौके की मुनासिबत के हिसाब से वो इस्तेमाल किया जाए। ये नल, ये चूंकि पहाड़ी इलाका है, और ये पता किसने लगाया हुआ है, और ये यहाँ पे नल जो लगाया हुआ है पानी, इसके नीचे है टंक, इसके नीचे टंक है, और मतलब बड़ा टंक, उसके अंदर पानी जमा है, और ये पाइप जो लगा है, पाइप के जरिए से पानी आता है, उस टंक में जमा होता है, और फिर ये जितना ज़रूरत होता है, ज़रूरत के हिसाब से नल के ज़रिए से वो निकाल लेती है आवाम अपने इस्तेमाल के लिए। और ऐसा है कि मेरे भी ये, अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये पीने के काबिल नहीं है, मैं भी मतलब ये पीने के काबिल नहीं हो सकता पानी, क्योंकि पानी कप का जमा होता है, और नीचे जो नल है और दूसरा टंक है वो भी, उसकी भी सफाई सुथराई होती है या नहीं होती है, पीने के काबिल नहीं। छोटे मोटे इस्तेमाल के लिए, जिस तरह को वजू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उन्होंने मोबाइल पंप, मोबाइल मोटर, इसकी ये तार जा रही है, ये तार उसकी है, और यहाँ पे इधर से पता नहीं किधर से आती है, इधर से पानी आता है। और ये सारे इस वक्त जो खंडरात बने हो चुके हैं, ये वैसे मे भी चौकी बनाई होगी जो रेलवे वालों ने
रेलवे वालों ने ये बनाई होगी अपने रहने के लिए, कोई सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे भी ये मतलब खंडरात बना हुआ है, ये बिल्कुल नकारा। और यहाँ पे अब डेरा है पौडरियों का, नशाई जहाज, वो यहाँ पे रहते हैं, स्टे करते हैं रात को, दिन में हम जैसे बंदों को वो लूटते हैं, मांगते हैं, फिर नशा वगैरह जो नशाई हैं ये यहाँ पे नशा करते हैं। तो सर अब हम जा रहे हैं वापस, हमारा टाइम हो चुका है, हम गहराई में जाएंगे आगे, ये काफ़ी सफ़र हमारा लंबा है। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो सर इसको लाइक कर दीजिएगा हमारी सपोर्ट के लिए क्यों भी। तो सर दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। ये सर हम गहराई से नीचे उतर रहे हैं, वीडियो हमारे हमने ख़त्म कर दी थी, लेकिन आगे चूंकि हमने सोचा चले अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि व्यू इस तरह का थोड़ा सही था। चले सर सेव कर देते हैं, हम जो कह रहे हैं सेव करें, हम तस्वीरें दो चार बनाएंगे। हाँ नहीं यार अभी व्यू सही आ रहा है यार, देखें हाय मज़े। ये क्या कर रहे हैं? गरीब बेचारे बंदे सर जी इधर मरेंगे पड़ा पहाड़ों में। कोई नहीं, इतना व्यू आ रहा है यार लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं। हम इधर से गए हैं, उधर से इस तरह घूम के वापस आ गए। असल हमारे पास टाइम कम था ना, वरना चक्कर मेरा हाँ तो फिर छोड़ देना ना बात। तो हम चले सही, वो जो फिल्मों में ऐसे होते हैं। अगर आप मर जाएंगे ना फिर जिम्मेदार हम हूं ना इस्लाम। अरे मार गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। नहीं ये डीजल है, क्या चीज है ये डीजल? पे डीजल नहीं, तकाजा है। और डीजल है तकाजा क्या? ये देख डीजल है, ये तो डीजल लेकिन तकाजा इधर ही पे है। इधर ही पे है तकाजा। तकाजा उनके नीचे कौन सी जगह होती है? सीधा नीचे। हां।